आपकी रिक्वेस्ट पे पिछले वीडियो के अंदर आपने चाणक्य की एक्विजिशन स्ट्रेटजीज को समझा, कैसे उन्होंने सिकंदर को अपने देश में भारत में घुसने नहीं दिया, सिंध नदी पार नहीं करने दिया, जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही चंद्रगुप्त मौर्य। और आपने एक्विजिशन में देखा 7 स्ट्रेटजीज इन दोनों ने मिलकर के इंप्लीमेंट करी, जिसके द्वारा उन्होंने मगध को जीत लिया। मगध उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था नंदा डायनेस्टी का। लेकिन अब बात करेंगे रिटेंशन और एक्सपेंशन की। ध्यान दीजिए, पार्ट वन था एक्विजिशन, पार्ट टू है रिटेंशन, मतलब अभी जो है उसको संभाला, एक्सपेंशन मतलब बलूचिस्तान, कांधार, गांधार, आप अफगान, और उसके बाद वहां से तुर्कमेनिस्तान तक जाकर के उन्होंने भारत को बढ़ाया। एक छत्र अखंड राज चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया। इसको कैसे एक्सपेंड किया, 20 साल पहले, अब 20 साल बाद की बात करूंगा, 20 साल पहले जब इन्होंने सिकंदर को खदेड़ दिया था, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेलिकस जो पहले प्रधानमंत्री था वो राजा हो चुका था, उसने ईरान, मिस्र और पूरे अरब जगत को रौंद डाला था। लड़ते हुए जीतते हुए 20 साल के बाद उसने सोचा, अब मैं अफगान आकर के काबुल कांधार को पूरी तरह कंट्रोल करता हूं, ताकतवर हो चुका हूं। 20 साल पहले हम लोग आए थे यहां पर, वापस लौट गए थे थक के हार के, लेकिन अब तो भारत को ऐसे लूट लूंगा, खत्म कर दूंगा। धन की कमी थी उसके पास, सोचा क्यों ना भारत पे फिर अटैक किया जाए और भारत को रौंद दे। लेकिन जानता नहीं था अब वो भारत नहीं रहा, ये विभाजित टुकड़ों में बंटा हुआ भारत नहीं था। अब तो चंद्रगुप्त मौर्य नाम का शेर यहां रहता था, जो एक छत्र अखंड भारत को लीड करता था। सेलुकस ने 300,000 की पैदल सेना, हाथी, घोड़े लेके भारत पे धावा बोल दिया, लेकिन चंद्रगुप्त के पास चाणक्य थे। चाणक्य की गाइडेंस में युद्ध शास्त्र में एक्सपर्ट हुए लोग, जो इतने अलर्ट और ताकतवर थे, अब शराब के नशे में नहीं थे नंदास की तरह, अब उन्होंने ऐसा खदेड़ा इनको, ऐसा खदेड़ा और इतना हैवी अटैक किया वापस, ये थकी हुई सेना उनके सामने बहुत तेजी से हारने लगी। इतना कत्लेआम हुआ, उन्होंने बर्बाद कर दिया। वहीं सेलुकस समझ गया अब सरेंडर करना ठीक है, नहीं तो जिंदा बचना संभव नहीं रहेगा। चाणक्य भी यही चाहते थे कि सेलुकस सरेंडर कर दे। सेलुकस सरेंडर किया तो चाणक्य ने कहा, अब दो नियम हैं, दो शर्तों पे तुम्हें छोड़ा जाएगा। पहला क्या, कांधार, गांधार, बलूचिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तक जितना भी अफगान का राज तुमने किया है वो सब अब मौर्य डायनेस्टी में आ जाएगा, वो मान गया। और दूसरा, तुम्हारी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होगा और तुम्हारी पुत्री से उत्पन्न संतान उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगी। ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या बोला, क्योंकि तुम विदेशी मूल के हो और विदेशी नागरिक होने के कारण तुम्हारी भारत के प्रति वो निष्ठा नहीं हो सकती, तो हेलन का विवाह तो होगा लेकिन पुत्र उत्तराधिकारी नहीं बन सकेगा। और ये दो शर्तें जब रखी तो चंद्रगुप्त मौर्य वापस आए और आचार्य से पूछे, आचार्य क्या कारण है कि मैं क्यों हेलन से विवाह करूं, ये हेलन से विवाह करके हमारा क्या फायदा होने वाला है। तभी चाणक्य पंडित ने कहा, यह लेसन सुनिएगा जरा ध्यान से, कहा कि समस्या को खत्म नहीं करना, जड़ से खत्म करना है। चंद्रगुप्त सोचने लगे, जड़ से कैसे खत्म होगी, तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर अपने साथ में बाहर जंगल में चले गए और वहां पे कांटों के पौधे के ऊपर से चलने को बोला। चंद्रगुप्त को और चाणक्य को कांटा चुभा। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा क्या करें कि कांटा चुभे नहीं, तो चंद्रगुप्त बोले कि इस कांटों की झाड़ी को उखाड़ दो। चाणक्य बोले रुको। चाणक्य एक मीठी लस्सी, एक मीठा मट्ठा लेकर के आए और उसके बाद उन्होंने उस कांटों के पौधों की जड़ों में डाल दिया। चंद्रगुप्त हैरान होकर देखने लगे, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, ये मीठा मट्ठा डालने से ये जड़ से कैसे खत्म होगा। वहीं चाणक्य पंडित बोले, जैसे ही मीठी लस्सी आएगी इसके बाद चींटियों का अटैक पड़ जाएगा इनकी जड़ों पे, और जड़ों तक जाकर के उस मट्ठे को चाटने और खाने के लिए चींटियां खत्म कर देंगी, इसकी जड़ों को उखाड़ के बर्बाद कर देंगी और ये मृत हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एक बार तुमने हेलेन के साथ विवाह कर लिया तो ये जो यवन है ना, ये दोबारा अपने ही घर परिवार में अटैक करने नहीं आएंगे। ये जो बार बार 20-20 साल बाद आते हैं सिकंदर की संतानें, ये दोबारा नहीं आएंगी, इसलिए तुम उसकी पुत्री से विवाह कर लो, समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। चाणक्य पंडित बहुत दूरदृष्टि रखते थे, इसको बोलते हैं एक विजनरी लीडर, जो कि बिहेवियर्स को समझते हैं और उनको प्रेडिक्ट करते हैं, और यही कारण है अच्छा मेंटर हो आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। और इसके बाद मैं आपको 12 विजनरी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी देता हूं, एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए, 12 वो स्ट्रैटेजी जिनसे चाणक्य ने मेंटेन भी किया उस एक छत्र साम्राज्य को और उसके बाद एक्सपेंशन और किया। पहला मैनेजमेंट प्रिंसिपल, डिसरप्शन ऑफ करप्शन। चाणक्य पंडित जानते थे कि करप्शन को समाप्त करना जरूरी है। करप्शन जो आज भी हमारे देश के अंदर पूरी तरह से व्याप्त रखा है, आप और मैं सब उससे पीड़ित हैं। चाणक्य पंडित जो पहले विजनरी लीडर हमारे पृथ्वी के 2300 साल पहले, उन्होंने ऑडिट मैकेनिज्म चालू कर दिया था। ऑडिट मैकेनिज्म जो आज ऑडिटिंग कंपनीज हैं, चाणक्य पंडित तब से ऑडिट करते आ रहे हैं। ट्रांसफर सिस्टम रखा हुआ था कि किसी भी लीडरशिप पोजीशन पे एक आदमी को लंबे समय तक नहीं रखना, उसका ट्रांसफर करते चले जाएं। आपको जान के गर्व होगा कि पृथ्वी का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पाटलिपुत्र भूमि की उपज है। यह कॉन्स्टिट्यूशन को भी धर्म के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया। हर देशवासी को कॉन्स्टिट्यूशन मानना होगा, ऑडिट मैकेनिज्म के थ्रू सबको कंट्रोल करके रखेंगे। दूसरा मैनेजमेंट प्रिंसिपल, किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए 6-पॉइंट प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन एबिलिटी बिल्ड करते हैं। क्या होता है यह 6-पॉइंट प्लान, यह हर काम को करने से पहले ही डिसाइड करते थे 6 चीजों को।
कि हमें करना क्या है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब तक करेगा, किसकी मदद से करेगा और इस काम को चेक कौन करेगा। ये छह चीजों को कंट्रोल करते हैं। मेरा पिछला एक वीडियो TRA TRS वो मैंने चाणक्य पंडित से लेके बताया था आपको। TRA TRS का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, ये कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से विष ही बढ़ता है। अमृत सिंह, एक बात सुनिए ध्यान से, सांप को दूध पिलाओगे ना तो विष और बढ़ जाएगा, सांप और ज्यादा जहरीला हो जाएगा। तो करना क्या है, ये अपने अच्छे लीडर्स को बिल्ड करने पे बड़ा फोकस करते थे। इन्होंने एक श्लोक दिया, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणम छेदन ताप ताडने तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते त्यागे न शीले न गुणे न कर्मणा। ये क्या कहते हैं, जिस प्रकार सोने को चेक करने के लिए उसकी क्वालिटी को निघर्षणम उसको रगड़ के देखा जाता है, छेदन उसमें छेद किया जाता है, तापन उसको आग में ताप कर परखा जाता है, ताडने उसको पीट पीट करके चेक किया जाता है। सोने को चेक करने के लिए ये चार स्टेप्स हैं। उसी प्रकार अपनी टीम के अंदर हाई परफॉर्मिंग बिजनेस लीडर्स फंक्शनल हेड को भी चेक करने के लिए चार काम करने जरूरी है। तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते, पुरुष की परीक्षा करने के लिए भी, तथा उसी प्रकार, यथा जिस प्रकार, तथा उस प्रकार एक पुरुष की परीक्षा लेने के लिए भी चार काम करने हैं। पहला क्या है, त्यागे नशीले गुणेन कर्मणा। पहले उसके त्याग को देखो, क्या जो व्यक्ति आपके साथ काम कर रहा है वो पर्सनल पावर के लिए कर रहा है, पोजिशनल पावर के लिए कर रहा है। कई लोग केवल पोजिशन के पीछे भाग रहे हैं, वो सत्ता कुर्सी लोभ लालच इसके पीछे कर रहे हैं, क्या उसमें त्याग की भावना है कि नहीं है, पहला पॉइंट। अगर त्याग की भावना नहीं है आपके लिए खतरनाक साबित होगा। शीलेन उसका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कठिन परिस्थिति में उसका चरित्र दिखाई पड़ेगा। गुणेन उसकी इंट्रिंसिक बाकी क्वालिटीज कैसी हैं। कर्मणा वो काम कैसे करता है, उसके कर्म कैसे हैं। ये चार चीजें जब आप देखेंगे तो इससे आप अपने हाई परफॉर्मिंग लीडर्स को, आप कैरेक्टर्स को तैयार कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे सोने में बताया गया गोल्ड को चेक करने के लिए चार चीजें, इसी तरह हाई परफॉर्मिंग टीम को चेक करने के लिए भी चार चीजें। चौथा प्रिंसिपल बड़ा कमाल का इन्होंने एस्टैब्लिश किया, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ। क्या मतलब हुआ, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, देश का स्वार्थ ही मेरा स्वार्थ। यह भावना उन्होंने पूरे देश में फैला दी। ये भावना फैलाने से क्या हुआ, ये हमेशा बोलते थे ना, जय मां भारती, भारत को अपनी माता मानते थे। राष्ट्रवाद, राज्यवाद नहीं, ध्यान दीजिएगा, कमॉन, आजकल के लीडर्स क्या कर रहे हैं, राज्यवाद, जातिवाद, धर्मवाद, लेकिन ये क्या करते थे, राष्ट्रवाद। देश को अगर एक करना है, पूरे देश को एक साथ जोड़ना है, तो वो नेशनलिज्म की फीलिंग इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। एक बार एक कहानी सुनाता हूं बड़े कमाल की आपको। यूनानी राजदूत आचार्य चाणक्य से मिलने आए और जब वो महल पहुंचे, चंद्रगुप्त मौर्य के महल पहुंच के उन्होंने पूछा कि मैं आचार्य चाणक्य से मिलना चाहता हूं, वो कहां रहते हैं, उनका कक्ष कहां है, उनका कमरा कहां है, उनका महल कहां है। तो सबने बताया कि वो तो नगर के बाहर रहते हैं। ये बोले नगर के बाहर, तो एक सैनिक उनको लेके गया चाणक्य की कुटिया की तरफ, लेके गया नगर के बाहर, कहीं कच्चे रास्तों से पगडंडी से होते हुए उनकी झोपड़ी उनकी कुटिया तक पहुंचे और जाकर के जैसे ही खटखटा के अंदर गए तो उन्होंने पहले चाणक्य के चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करके उनको प्रणाम किया और बोला, आचार्य आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप तो महामंत्री हैं, आपको तो चंद्रगुप्त किसी भी समय अलग महल बनवा के दे देंगे, तो आप इस कुटिया में क्यों रहते हैं। चाणक्य ने जो उत्तर दिया, जान के बड़ा खुशी होगी आपको, चाणक्य कहते हैं, अगर देशवासियों की कड़ी मेहनत पसीने खून की कमाई के दम पे मैं महल में रहूंगा तो मेरे देश की जनता को कुटिया में ही रहना पड़ेगा। कमॉन, ध्यान दीजिए, अगर आपके टैक्स के पैसे से मैं महल में रहा तो आपको कुटिया में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए मैं कुटिया में रहता हूं ताकि अपने देश के दर्द को समझ सकूं। इसलिए कहते हैं कंट्री फर्स्ट, देश के स्वार्थ में मेरा स्वार्थ। एक बार एक चीनी नागरिक इनसे मिलने गया, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए। वो चीनी नागरिक एक बड़ा व्यापारी था, इनसे पर्सनल गाइडेंस लेने आया और आकर के उन्होंने आचार्य को प्रणाम किया, उनको नतमस्तक हुआ। तो आचार्य उस समय कुछ लिख रहे थे और उस समय जब लिख रहे थे तो उसको चीनी नागरिक को देख के उन्होंने प्रणाम किया उत्तर में। उसके बाद वहां दो दिए पड़े थे, तेल के दिए होते थे ना, उन दिनों को बिजली लाइट वगैरह तो होती नहीं थी, शैंडेलियर, तेल के दिए में एक दिए को बुझाया और दूसरा दिया जला दिया। तो वो चीनी नागरिक देख के हैरान हो गया, बोला लगता है यहाँ की कोई प्रथा है इस देश की, भारत की, कि जब कोई गेस्ट आएगा तो एक दिए को बुझाओ दूसरा दिया जला दो। बोला गुरुदेव इस प्रथा के बारे में समझाइए। चाणक्य ने कहा ये कोई प्रथा नहीं है, वो जो पहला दिया था ना उसमें जो तेल था वो मेरे देश का तेल था, क्योंकि मैं देश के काम के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा था और लिख रहा था और देश का काम इस समय कर रहा था, पर अब तुम मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेने आए हो तो मैं देश के तेल को इस्तेमाल नहीं कर सकता दिया जलाने के लिए, ये मेरा पर्सनल तेल और मेरा निजी दिया है, इसको जला रहा हूं क्योंकि पर्सनल डिस्कशन हो रही है, इस समय देश के लिए नहीं हो रही। चाणक्य की बात सुन के, उनकी ईमानदारी और राष्ट्र निष्ठा को देख के वो वही नतमस्तक हो गया, उनके चरण स्पर्श किए। चाणक्य ने इस प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश कर दिया कंट्री फर्स्ट, जिसके कारण देश दोबारा टूटा ही नहीं कभी। अगला प्रिंसिपल, बुद्धिमान इंसान गोपनीय ज्ञान को गोदाम में रखता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कमाल की बातें हैं। एक जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक गोपनीय ज्ञान को गोदाम में, गोदाम मतलब क्या होता है, बेसमेंट में छुपा हुआ, अंदर दबा हुआ, गोदाम के अंदर, यानी कि
चाणक्य कहते हैं अगर आप अपनी गोपनीय बात को पहचान नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, तो कैसे विश्वास कर लोगे कि दूसरा पहचान लेगा या छुपा लेगा। अगर आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाते तो दूसरा कैसे रख लेगा। इसलिए अपने कॉन्फिडेंशियल मैटर्स, अपने सीक्रेट्स को सब में पब्लिक ना करें, उसको गोदाम में छुपा के रखें। यह बुद्धिमान इंसान की निशानी है। थोड़ा तेज चलूंगा क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा बनाने का मन करता है, लेकिन आप लोग के पास समय कम है ना। तो छठा पॉइंट है, इवैल्यूएट द सेल्फ इंटरेस्ट इन रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप किसी ना किसी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है संसार की, जिसमें कोई भी इंटरेस्ट ना हो। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, और वो ही कहते हैं कि अपना इंटरेस्ट और सामने वाले का इंटरेस्ट दोनों को इवैल्यूएट कर लो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपके लिए खतरनाक नहीं है, अगर सामने वाले का इंटरेस्ट आपको कोई बड़ा खतरा नहीं देने वाला, तो ऐसा रिलेशनशिप ठीक रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। सातवां पॉइंट, कमजोरी का प्रदर्शन आपको और कमजोर बना सकता है। क्या मतलब हुआ कि जैसे सांप जिसका भी जहर नहीं है उसको भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि ये सांप जहरीला नहीं है तो उस सांप का बड़ा बुरा हाल किया जाएगा, उसको लोग बहुत तंग करेंगे। जब कृष्ण भी गीता सुना रहे थे और देखा कि अर्जुन अभी थोड़ा उबासी ले रहा है बीच में, अच्छा चल रहा है गीता, तभी कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। जैसे ही कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन क्या बोला, सॉरी सॉरी भगवान साहब समझ आ गया, सॉरी सॉरी वापस आ जाओ। तो कभी ज़्यादा अपनी कमजोरी के बारे में पता ना लगने दो, नहीं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, आपको कंट्रोल कर लेंगे। आपको डसने का जरूरत नहीं है लेकिन फन दिखा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि मछुआरा भी कुछ पाने के लिए पहले जल में उतरता है। इसका मतलब क्या है, रिस्क लेना जरूरी है। द बिगेस्ट रिस्क दैट यू कैन टेक इन योर लाइफ इज बाय नॉट टेकिंग एनी रिस्क एट ऑल। नाइन्थ पॉइंट है, मूर्ख लोगों से विवाद ना करें। मूर्ख व्यक्ति से हमेशा दूर रहना ठीक है, क्योंकि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो पहला आपका समय बर्बाद करेंगे, दूसरा अपने बुद्धि के स्तर के नीचे आपको बराबर लाएंगे, और उसके बाद तीसरा आपको पीट पीट के आपको तंग करेंगे। और इसलिए अच्छा क्या है, उनसे दूर ही रहो। अगला पॉइंट है, दूध की आवश्यकता पूरी करने के लिए हथनी पालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूध चाहिए तो हथनी ना पालें। हाथी जो है ना, एक एक्सपेंडिचर का सूचक है, यानी कि जब भी कुछ एक्सपेंशन कर रहे हो किसी जरूरत के लिए, अननेसेसरी बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करने की जगह कोशिश करें कि अपने आप को एकदम स्लिम एसेट लाइट रखें। आपने मेरा मॉडल सुना ना, फ्लाई लाइट एसेट लाइट, ये चाणक्य पंडित ने उस समय सिखाया था कि जब भी एक्सपेंशन करना हो कोशिश करें कि कम धन के अंदर किया जा सके। हथनी के बिना ही दूध का भी अरेंजमेंट किया जा सकता है। जब आपको पेट्रोल भरवाना हो गाड़ी में तो आप पेट्रोल पंप नहीं खरीदते हैं, जब आपको घर में दूध 2 लीटर मंगाना हो तो आप 10 गाय नहीं खरीद लेते हैं। उसी प्रकार जब आपको एक्सपेंशन करना हो जबरदस्ती अपने एसेट ना बिल्ड करें, फ्लाई लाइट। 11वां सूत्र है, शराबी के हाथ में दूध का ग्लास भी शराबी समझा जाता है। क्या मतलब हुआ, जो बुरे लोग हैं ना, देखिए आप जहां काम करते हैं अपने ऑफिस में, अगर आप नौकरी करते हैं तो कभी भी कामचोर आलसी लोगों के साथ दोस्ती ना रखें, नहीं तो आपका बॉस आपको कभी पसंद नहीं करेगा। ऐसे लोग जो नॉन प्रोडक्टिव हैं, ऐसे लोग जो कंपनी में पैरासाइट हैं, उनसे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर लें, क्योंकि जब भी बॉस आपको उनके साथ देखेगा तो आपको उनके जैसा ही समझेगा, भले ही आप कितने अच्छे कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अपने इंप्रेशन को बनाए रखने के लिए ईमानदार लोगों से दोस्ती करें, क्योंकि बॉस को हमेशा अलर्ट और कमिटेड लोग ही पसंद आते हैं। और 12वां पॉइंट है, क्वालिटी एनहांसमेंट। चाणक्य क्वालिटी एनहांसमेंट पर बहुत जोड़ देते थे। जिस प्रकार एक लकड़ी में दीमक लगी हुई लकड़ी जल्दी नष्ट हो जाती है, ठीक उसी प्रकार किसी राज्य का शासक अगर अशिक्षित है तो वो राज्य का कल्याण कभी नहीं कर सकता। देखिए विद्या ही निर्धन का धन है, कमॉन एक बात और, क्या विद्या ही निर्धन का धन है। विद्या एक ऐसी चीज है जो कभी चोर भी चुरा नहीं सकता, दुनिया में कोई चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए विद्या पे वो शिक्षक होने के नाते उन्होंने शिक्षा देकर के ही चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। इसीलिए चाणक्य पंडित कहते थे कि धर्म और जाति के हिसाब से शासक को नहीं चुना जाना चाहिए, काबिलियत के हिसाब से शासक को चुना जाना चाहिए। ये आज के वोटिंग सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अपने धर्म और जातियों के चक्कर में गलत जगह वोट दे आते हैं। वोट हमेशा उसको देना चाहिए जो काबिल है, वो नहीं जो आपकी जात का आपके धर्म का है, जो काबिल है। काबिल व्यक्ति ही एक्चुअली देश को बदल सकता है, आप जाति और धर्म देश को नहीं बदल पाएगी। हाँ एक बात और, कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता अगर उसके पास ज्ञान नॉलेज की कमी हो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता रहूंगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, फ्री यूट्यूब के वीडियोस देखते रहिए। आज एक और बोनस आपके लिए, जिस प्रकार चंद्रगुप्त को चाणक्य की आवश्यकता थी, ऐसे ही आपको भी आपके जीवन में एक चाणक्य चाहिए। और एक नहीं कई चाणक्य मैं अपने साथ आपके लिए लेके आया।